हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम लोग अभी सुबह सुबह निकल पड़े हैं डीमापुर से कोहिमा की तरफ। कोहिमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी है और इस सिटी की सौंदर्यता आपको पहाड़ों के बीच देखने को मिलती है। कोहिमा एक हाई ऑल्टीट्यूड में स्थित पहाड़ों के गोदियों में बसने वाली शहर है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के कहीं से भी कोहिमा घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा गुवाहाटी। उसके बाद आपको गुवाहाटी से डीमापुर आना पड़ेगा और डीमापुर से आप कोई भी कार या टैक्सी ले लें, और इसके लिए आपको 2500 से लेके 3000 तक पे करना पड़ेगा। और अगर आप बस से जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन के बगल में ही NST मिलेंगे, यानी कि नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, जो आपको सिर्फ 150 रुपीस में कोहिमा पहुंचा देगी। और ये है NH 37, जो इन दो सिटी को एक साथ में जोड़ता है, और इसी रूट से आप मणिपुर भी जा सकते हैं। तो चलिए, आज आप लोगों को लेकर चलते हैं कोहिमा। सो गाइज, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हमें कोहिमा पहुंचते 2 आवर्स लग गए। कोहिमा पहुंचने के बाद यहां का वेदर काफी ज्यादा क्लाउडी हो रखा है, इवन ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी खूबसूरती बिल्कुल जबरदस्त है। तो अभी हम लोग फुलबाड़ी पहुंचे, क्योंकि यहां पे हमें होटल बुक करना है, दी ब्लू बेयर होटल एंड रेस्टोरेंट। और ये होटल कोहिमा वॉर सेमेट्री के बिल्कुल अपोजिट में है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और अभी आपको लेकर चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसेप्शन बिल्कुल सामने नहीं है, थोड़ा अंदर की तरफ है, इसलिए हम अंदर आ गए। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड होटल बुकिंग के जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर रहे हैं। तब तक आपको दिखा देते हैं रिसेप्शन। तो हमें जो है फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला है। सो लेट्स हैव अ लुक। विंटर में घूमने जाने का मजा ही कुछ और होता है, इसलिए हमें जैसे ही टाइम मिला हम लोग निकल पड़े। सो ये है हमारा रूम नंबर 101। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक स्मॉल रूम टूर दे दिया जाए, ताकि अगर आप कभी कोहिमा आते हैं तो इस होटल में चेक इन कर सकते हैं। रूम एंट्री करते ही सामने जो विंडो दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट आपको वॉर सेमेट्री दिखेगा। सो गाइज, ये देखिए, अभी मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, दी ब्लू बेयर होटल के ठीक अपोजिट साइड में कोहिमा वॉर सेमेट्री, जो वास्तव में एक कब्रस्थान या फिर समाधि स्थल है। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोहिमा वॉर सेमेट्री। तो यहीं से शुरू हो रहा है ये वॉर सेमेट्री, और जाते जाते मैं आप लोगों को इस सेमेट्री के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापानीज सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स ने कोहिमा में डिफीट किया था, जो कि गैरिसन हिल बैटल के नाम से जाने जाते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको
द बैटल ऑफ टेनिस कोर्ट भी कहा जाता है। ये बैटल 1944 में हुआ था। इस बैटल में टोटल 1421 ब्यूरियल्स के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग कहते हैं तकरीबन 2000 सोल्जर्स इस बैटल में मारे गए हैं। इस सेमेट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी भाई एक साथ सोए हुए हैं। ये जो सेमेट्री आप लोग देख रहे हैं, ये पहले एक टेनिस कोर्ट था जिसको बाद में एक कब्रिस्तान का रूप दे दिया गया है, और इसीलिए ये कब्रिस्तान आप लोगों को लेयर बाय लेयर दिखेगा। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कितने सारे कब्र एक साथ लाइन बाय लाइन बना हुआ है। और यहाँ से ठीक सामने आपको दिखेगा खूबसूरत कोहिमा शहर। चलते हैं और ऊपर की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पीसफुल जगह है ये। सच कहें तो यहाँ आने के बाद मन एकदम से शांत हो गया। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा और ऊपर की तरफ। ये देखिए गाइज, यहाँ पे राइट साइड में टेनिस कोर्ट बना हुआ है और साथ ही में एक छोटा सा शेल्टर जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है।
अब चलते हैं एकदम टॉप पे। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इन सारे सोए हुए सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, बिल्कुल ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं, कितना मस्त लग रहा है ना गाइज। तो ये एक रिकमेंडेड प्लेस है, आप लोग जरूर कोहिमा आए, वॉर सेमेट्री घूमिए। अगर आप लोग फोटोशूट का शौक रखते हैं तो यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं। अब ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई हूँ, यहाँ से आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि इस साइड में क्या है। ये देखिए गाइज, इस साइड में भी बहुत सारे ग्रेब्स हैं और यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर कोहिमा का जो व्यू है वो दिख रहा है। यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है, तो चलिए इधर भी चलकर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल कोटेशन लिखा हुआ है, दैट इज व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो We gave art today। तो यहीं पर मैं इस समाधि स्थल का वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।